Let us start with the next chapter, that is about motion in plane. Let us go to the board. Okay, ये आपको एक स्क्रीन दिख रहा होगा, तो उसमें आपका चैप्टर का नाम ही है मोशन इन प्लेन, ठीक है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये आज के लेक्चर में सिंपली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है ना। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब मोशन के कौन से टाइप्स एक्चुअली होते हैं और किस टाइप के मोशन होते हैं और हर एक टाइप के अंदर क्या क्या होता है, तो वो हमको डिटेल में आज के लेक्चर में देखना है, ठीक है। और चलो ठीक है, तो अभी देखो इसमें सबसे पहली बात कि देखो ठीक से मोशन इन प्लेन, ये उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम देख सकते हैं कि कोई भी बॉडी जब एक प्लेन के अंदर मूव करता है, किसी भी एक लाइन में नहीं, मतलब स्ट्रेट लाइन में अगर जाता है तो उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे, ठीक है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहेंगे। लेकिन कोई भी बॉडी अगर सपोज ऐसा एक कर्व्ड पाथ अगर फॉलो करता है, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अगर सपोज किसी एरोप्लेन में से अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल या कॉइन अगर छोड़ दिया, तो जैसे हम छोड़ देंगे तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी दिस पार्टिकल और कॉइन विल जस्ट मूव इन अ इन सच अ प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो पाथ होता है तो उसमें वो बॉडी मूव करेगा, और इस टाइप का जो मोशन है इसको ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ओके, तो बेसिकली ये हो गया मोशन इन प्लेन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देख सकते हैं। ओके, अभी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, ऐसा हम कब बोलते हैं, जब उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, ऐसा हम कब बोलते हैं, जब उसका पोजीशन चेंज होता है। बट अभी एक बात समझ लो ठीक से कि कोई भी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ये बोलने के लिए हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि कौन से एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम को रेफर करके हम ये उसका मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, अगर सपोज हमने कोई भी ट्रेन अगर देखा, प्लेटफॉर्म पे अगर खड़े हैं हम और अगर हम ट्रेन की तरफ देख रहे हैं, तो ट्रेन इज एट रेस्ट, वी कैन से दैट ट्रेन इज एट रेस्ट। बट अभी अगर वही ट्रेन अगर हम सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे, सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सन के रेफरेंस से अगर देखेंगे, तो सन के रेफरेंस फ्रेम के अंदर तो पूरा अर्थ ही घूम रहा है कि नहीं। अर्थ इज इन मोशन, सो ट्रेन इज ऑल्सो इन मोशन। तो इसलिए देखा जाता है कि कोई भी बॉडी जब हम बोलते हैं कि इट इज एट रेस्ट और इट इज इन मोशन, तो ये बोलने के लिए हमारे सामने कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोई उसका मतलब नहीं निकलता कि कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, बिल्कुल। तो जब से अभी आप ट्रेन इज एट रेस्ट, अब सपोज अगर कोई बॉडी जो है अगर मूव हो रहा है, जैसे हम आप देख रहे हैं कि ट्रेन इज मूविंग ऑलरेडी, तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं आराम से कि ट्रेन इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज ऑन द प्लेटफॉर्म। अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े रह के अगर देखेंगे तो ट्रेन इज मोशन, नो डाउट। बट अगर हम वही अगर हम जो है वो अगर सपोज ट्रेन के अंदर अगर बैठ जाए, तो ट्रेन के अंदर बैठने वाला व्यक्ति जो है वो यही एक्सपीरियंस करेगा कि ट्रेन या उसके सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति या उसके आजू बाजू में जो सामान पड़ा हुआ है, दैट इज एट रेस्ट। तो ये जो मोशन ऑफ मोशन और रेस्ट, ये दोनों जो कंसेप्ट है वो रिलेटिव है, ये हमको इसमें समझना है। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या समझा ठीक से, कि रिलेटिव का मतलब ये हो गया कि विथ वॉट फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन। तो कोई भी बॉडी को जब हम मोशन ऑब्जर्व करते हैं या कोई भी बॉडी का जब हम रेस्ट का पोजिशन ऑब्जर्व करते हैं, तो वो ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा फ्रेम हम चूज करते हैं वो मैटर करता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो चलो ठीक है, अभी देखो अभी कौन से टाइप के मोशन होते हैं ये हम समझेंगे ठीक से। तो सबसे पहले आ जाता है मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है ना, मोशन इन वन डायमेंशन उसको हम बोल सकते हैं। दूसरा मोशन जो है उसको हम बोल सकते हैं मोशन इन टू डायमेंशंस,
और तीसरा हो जाता है मोशन इन थ्री डायमेंशंस। देखो ठीक से, मोशन इन वन डायमेंशंस व्हाट डज इट मीन? इट्स कॉल्ड एज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। मोशन इन टू डायमेंशंस मीन्स द मोशन इन प्लेन विच यू हैव टू स्टडी इन टूडेज लेक्चर, एंड थर्ड इज द मोशन इन थ्री डायमेंशंस विच इज नथिंग बट द थ्री डायमेंशनल और मोशन इन स्पेस एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे जैसे कि हमने अभी देखा कि मोशन टाइप्स ऑफ मोशन, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशंस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो मोशन इन वन डायमेंशन मतलब व्हेन अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई बॉडी जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर जाता है तो उसको हम बोलेंगे इट इज मूविंग इन वन डायमेंशंस। तो उसको हम बोलेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और रेक्टिलिनियर मोशन भी उसको बोल सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अगर कोई कार जो है या कोई भी ट्रेन जो है वो अगर पटरी के ऊपर अगर एक स्ट्रेट लाइन में अगर जा रहा है, जब तक वो मुड़े नहीं, ठीक है, वो मुड़ना नहीं चाहिए, वो टर्न नहीं लेना चाहिए, जब तक वो टर्न नहीं लेता है तब तक उसका जो मोशन है तो उसको हम बोल सकते हैं इट्स द लीनियर मोशन और रेक्टिलीनियर मोशन और मोशन इन वन डायमेंशंस और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी दूसरा हम देखेंगे मोशन इन टू डायमेंशंस। अभी देखो ठीक से, आपने ये गेम कभी खेला होगा कई बार एंग्री बर्ड्स, तो उसमें देखा जाता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो अगर हम थ्रो करेंगे, जैसे गिलर से अगर हम सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर थ्रो करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जैसे ही मोशन परफॉर्म करता है तो वो मोशन उसको हम बोल सकते हैं आराम से इट इज अ मोशन ऑफ मोशन इन टू डायमेंशंस, जस्ट बिकॉज द मोशन इज कर्व्ड। तो यहाँ पे मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है बल्कि वो कर्व्ड है, तो वो उसका जो पाथ है वो बेंड होता है, और इसलिए उसको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि मोशन इन टू डायमेंशंस या मोशन इन प्लेन बोल सकते हैं। द सेम इज द एग्जाम्पल ऑफ बास्केटबॉल। ठीक है ना, जैसे बास्केटबॉल जो हम देखते हैं, बास्केटबॉल को हम इस तरह से लेके उसको इस तरह से पुश करते हैं और वो नेट में जाके गिरता है, तो ये जो मोशन है इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन और मोशन इन टू डायमेंशंस वी कैन से। इवन सर्कुलर मोशन, रिमेंबर सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन प्लेन ओनली। इवन देखो ऑल टाइप्स ऑफ मोशन इन विच द मोशन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल प्लेन, ये सारे पॉइंट्स जिन पॉइंट से ये बॉडी गुजरता है वो सारे पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक प्लेन मिलेगा, एक ही प्लेन में सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इसीलिए उसको हम मोशन इन प्लेन बोल सकते हैं, नो डाउट। ओके, देखो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या, समझा ठीक से? रेक्टिलिनियर मोशन मतलब सिंपली व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सपोज अगर कोई बॉडी जो है वो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर जा रहा है, जैसे देखो अगर मान लो सपोज ये देखो, सपोज मान लो कि एक कार है, ठीक है, ये कार, और अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो जा रहा है, मुड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं रेक्टी लीनियर मोशन। बिल्कुल, सो दिस कार विल बी मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट टर्न्स। ओके, टर्न नहीं होना चाहिए, अगर वो टर्न हो गया तो उसको हम मोशन जो है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं। श्रेयस, योर माइक इज ऑन। ओके, तो ये जो है अगर वो टर्न हो गया तो फिर उसको हम उसका मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं बोल सकते हैं, जब तक वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी हम कई बार एक बॉल जो है तो वो बॉल अगर सपोज एक हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर तरफ थ्रो करते हैं, वो बॉल जो है वो ऊपर जाता है एक हाइट पे ऊपर जाके फिर वापस उसी पाथ से नीचे आ जाता है, ये देखो इस तरह से, तो ये जो उसका मोशन है तो ये भी एक तरह से क्या है, इट इज अ रेक्टी लीनियर मोशन, नो डाउट, तो उसको भी हम रेक्टी लीनियर मोशन बोल सकते हैं। ठीक है,
कोई भी बॉडी जो है वो ऑसिलेट अगर करता है, मान लो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक जो है वो अगर सपोज हम इस ब्लॉक को अगर हम पकड़ के थोड़ा स्ट्रेच करेंगे इस तरफ और अगर छोड़ देंगे, तो जैसे ही वो छोड़ देंगे तो वो ब्लॉक जो है वो आगे पीछे इस तरह से आगे पीछे मूव करता रहेगा, राइट। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन बिकॉज द मोशन डजंट चेंज इट्स पाथ। तो जो मोशन जो है वो लाइन चेंज नहीं करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ही होने वाला है, भले फॉरवर्ड जाए या बैकवर्ड जाए वो चलेगा, बट इट शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, देन इट विल बी कॉल्ड एज द रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, ये समझ में आया ठीक से अभी? ओके, सो दिस इज अबाउट द रेक्टिलिनियर मोशन। द नेक्स्ट इज अबाउट द मोशन इन प्लेन। ओके, नाउ विल सी द मोशन इन प्लेन। जैसा कि अभी हमने देखा कि एनी ऑब्जेक्ट वेन एवर इट इज थ्रोन इन द स्काई ड्यू टू द ग्रेविटी इट इट्स पाथ इज कर्व लाइक दिस। तो उसका जो पाथ जो है वो अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो देखो ऐसा मिल रहा है हमको, ये देखो ऐसा मिल रहा है। एंड ऑल दिस पॉइंट्स इफ वी ज्वाइन देन ऑल दिस पॉइंट्स विल लाई इन अ सिंगल प्लेन। एक ही प्लेन में ये सारे पॉइंट्स लाई करते हैं, देखो ठीक से। एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज द प्लेनर मोशन। इवन सर्कुलर मोशन, अगर समझो एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग के साथ हमने एक स्टोन बांध के रखा और इस स्टोन को अगर इस तरह के एक वेलोसिटी दिया, तो इसकी वजह से ये जो है स्टोन इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ये जो सर्कुलर मोशन उसका परफॉर्म हो रहा है ये भी एक तरह से क्या है, इट इज ऑल्सो द प्लेनर मोशन। बिल्कुल, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लेनर मोशन बिकॉज ऑल दिस पॉइंट्स, ये सारे जो पॉइंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सब पॉइंट्स एक्चुअली एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सारे जो सर्कल के ऊपर के सब जो पॉइंट्स होते हैं तो वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इसीलिए हम उसको प्लेनर मोशन बोल सकते हैं। और कोई एग्जांपल है क्या प्लेनर मोशन का तुम्हारे दिमाग में, चेक करो एक बार, अगर कोई है तो बताओ जल्दी माइक अनम्यूट करके। प्लेनर मोशन, ठीक है ना, मीन्स द मोशन शुड बी इन अ प्लेन, ऑल द पॉइंट्स मस्ट बी इन अ प्लेन। देखो दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगर एक कॉकरोच है, ठीक है, और अगर उस कॉकरोच को हमने फ्लोर पे रख दिया, तो जैसे उसको हम फ्लोर पे रख देंगे तो वो इस तरह से आगे पीछे किधर भी जाएगा, लेकिन उड़ तो नहीं सकता है ना वो। जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक उसका मोशन कैसा हो गया, प्लेनर मोशन हो गया, बिकॉज इट्स मोशन इज गोइंग टू गेट कन्फाइंड इन अ फ्लोर। तो वो फ्लोर को छोड़ने वाला है क्या कभी भी? बिल्कुल नहीं, फ्लोर को कभी नहीं छोड़ेगा वो। तो इसीलिए इस कॉकरोच का जो मोशन है तो वो एक तरह से हम बोल सकते हैं इट्स अ प्लेनर मोशन। इवन चिपकली जो होता है, तो चिपकली भी वॉल के साथ चिपक के रहता है और वॉल के ऊपर किधर भी जा सकता है, बट वो वॉल को छोड़ नहीं सकता। तो इस और वॉल कैसा होता है, प्लेन होता है, बराबर। इसीलिए चिपकली का जो मोशन है या कोई भी जो कीड़ा जो वॉल के ऊपर चलता है उसका भी मोशन कैसा होने वाला है, प्लेनर मोशन रहने वाला है। देखो ठीक से, सो और बग विच इज मूविंग इन अ नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली बट एनी वेज, तो एक एक प्लेन में किधर भी वो जा सकता है, इट्स मोशन इज गोइंग टू बी कन्फाइंड टू द फ्लोर, देन इट इज कॉल्ड एज द प्लेनर मोशन। ओके, तो देखो ये सारे एग्जाम्पल्स प्लेनर मोशन के हमने देखा। अभी देखो थ्री डायमेंशनल मोशन। ओके, थ्री डायमेंशनल मोशन में इज द मोशन इन स्पेस। जैसे बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई किधर भी जा सकता है, वो उड़ भी सकता है, सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा, टेबल पे ही रहेगा ऐसा नहीं है, वो किधर भी जा सकता है, इसीलिए उसका जो मोशन है तो उसको हम बोल सकते हैं इट इज गोइंग टू बी द थ्री डायमेंशनल मोशन। रिमेंबर, थ्री डायमेंशनल मोशन इज द मोशन ऑफ द बॉडी इन अ थ्री डायमेंशन स्पेस। देखो अभी थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर ट्रेन आता है क्या? देखो ट्रेन तो जमीन पे ही चलता है कि नहीं, तो ट्रेन जमीन पे किधर भी अगर जाएगा तो जमीन को चिपक के रहेगा नहीं, तो इसलिए जमीन तो फ्लैट है, प्लेन सरफेस है कि नहीं जमीन, मतलब तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जमीन फ्लैट होने की वजह से ट्रेन जो है, ट्रेन इज नॉट गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ प्लेनर मोशन, सॉरी इट्स नॉट गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन, बट इट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ प्लेनर मोशन। तो अभी लास्ट लास्ट वाला जो हमने देखा था ना मोशन, इसके पहले वाला, ये देखो मोशन इन प्लेन, और उसको हम बोल सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन, करेक्ट है, टू डायमेंशनल मोशन। तो उस टू डायमेंशनल मोशन के अंदर ट्रेन भी आ जाएगा, बिल्कुल, अगर वो टर्न लेता है तो टर्न लेने के बाद ट्रेन भी एक तरह से प्लेनर मोशन बन जाएगा,
नो प्रॉब्लम, बट नाउ इन अ थ्री डायमेंशनल मोशन, तो थ्री डायमेंशनल मोशन अगर हमको चाहिए तो देखो ठीक से, उसमें बटरफ्लाई एक आता है, या फ्लाई कोई भी फ्लाई जो है वो ना सिर्फ सरफेस पे जाता है बल्कि वो उड़ भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस वहां पे इन्वॉल्व है, इसीलिए बटरफ्लाई का जो मोशन है तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है प्लेनर मोशन का। और इवन जो हम देख सकते हैं कि प्लेन प्लेन का जो मोशन एग्जांपल है, एरोप्लेन जो होता है नहीं, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर, ये सारे जो एग्जांपल्स है इनका जो मोशन है वो एक्चुअली थ्री डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल्स है। इवन हेलिकल मोशन जो होता है कि नहीं, हेलिकल, ये देखो इसको हेलिक्स बोलते हैं, ऐसा मोशन देखा है तुमने कभी, स्प्रिंग लाइक मोशन, मतलब ये बाहर आएगा फिर अंदर जाएगा ऐसे ऐसे, ये देखो ये ऐसा जो मोशन होता है हेलिकल मोशन उसको बोल सकते हैं। सो दैट मोशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ थ्री डायमेंशनल मोशन, जस्ट बिकॉज इन केस ऑफ दैट द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ऑल द थ्री एक्सिस एक्चुअली चेंज, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी द प्लेनर मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन, रिमेंबर। चलो ठीक है, तो अभी हम देखेंगे आगे। अच्छा, अभी इस चैप्टर के अंदर हमको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोशन स्टडी करना है आगे चल के, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, रिमेम्बर, और इवन सर्कुलर मोशन भी हमको करना है। तो अभी हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। देखो ठीक से, अगर एक तोफ जो होता है, तोफ उसको हम बोल सकते हैं कैनन, ओके, और उसको अगर हम सपोज फायर करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उसकी वजह से जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसके बाद वापिस वो नीचे भी आता है। जैसे देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर हाइट पे अगर हमने इसको फायर किया, जैसे हम इसको फायर करेंगे तो देखो यहाँ पे व्हाट हैपेंस आफ्टर इट्स फायर्ड इज इट्स वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग। ये देखो इसका जो मोशन है वो इस तरह से कर्व्ड मोशन होता है, तो ऐसा जो मोशन है इसको हम बोल सकते हैं प्लेनर मोशन, एंड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन, रिमेम्बर। देखो इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटी द कैनन विल फ्लो इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ग्रेविटी नहीं है, मतलब अगर स्पेस में जाके अगर हम ये कैनन अगर फ्लो करेंगे या फायर करेंगे, तो उस केस में क्या होने वाला है, ये जो कैनन है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाने वाला है बिल्कुल, बट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी हियर, तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, उसका जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक बनता है। देखो ठीक से, दिस इज कॉल्ड एज द पैराबोलिक पाथ। ये देखो ये जो पाथ होता है ना, अभी सपोज, अभी अगर सपोज ग्रेविटी नहीं है तो इट विल फायर इन द स्ट्रेट लाइन, इट विल मूव इन द स्ट्रेट लाइन एंड नेवर कम बैक, तो वो स्ट्रेट लाइन में इसी डायरेक्शन में इसी पाथ से इसी वेलोसिटी के साथ जाता रहेगा बिल्कुल, बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी व्हाट हैपेंस इज इट्स पाथ बिकम्स पैराबोलिक। ये जो है पैराबोलिक पाथ मतलब क्या, कर्व्ड पाथ उसको बोल सकते हैं, कर्व्ड, एंड इट्स गोज ऑन बेंडिंग मोर एंड मोर डाउनवर्ड्स, तो वो जो है उसका जो पाथ है वो ज्यादा ज्यादा नीचे की तरफ बेंड होता जाता है। जैसे देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बहुत कम था, लेकिन नेक्स्ट उसी टाइम इंटरवल के अंदर नेक्स्ट इसमें डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वर्टिकल वो ज्यादा है। देखो ठीक से, यहाँ पे वो और ज्यादा नीचे फॉल हो गया, तो जितने डिस्टेंस से वो फॉल होता है वो डिस्टेंस बढ़ता जाता है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है जब तक वो गिरे नहीं। लेकिन एक बात नोट करो यहाँ पे कि उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है। देखो एक सेकेंड में अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसी एक सेकेंड में वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसी एक सेकेंड में, और हॉरिजॉन्टल तीसरे सेकेंड में वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और एक सेकेंड में वो हॉरिजॉन्टली उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये होता है, हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, रिमेम्बर, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ओके। एंड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, अगर वर्टिकल की बात करते हो तो इट ट्रेवल्स इंक्रीजिंग डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो देखो टाइम इंटरवल्स तो सेम है, लेकिन यहाँ पे उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, यहाँ पे और ज्यादा और यहाँ पे और ज्यादा, तो जैसे जैसे वो नीचे जाता रहता है तो वैसे वैसे उसका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ता जाता है, और ज्यादा ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करता जाता है, और यही ग्रेविटी की वजह से होता है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड देर इज नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई उसको खींच रहा है क्या, नहीं, तो
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई उसको खींच नहीं रहा है, इसीलिए उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी बरकरार रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसका वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग में बहुत कम होता है, लेकिन धीरे 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 बढ़ता जाता है। देखो इस तरह से, तो ये हम देख सकते हैं आराम से प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर देखते हो तो उसका जो वेलोसिटी है, देखो फिर से एक बार, उसका जो वेलोसिटी है वो कम होता जा रहा है, दिख रहा है आराम से। जैसे जब वो यहाँ पे था तो उसका वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा था, देखो यहाँ पे इतना था, जबकि जब वो यहाँ पे आ जाता है तो उसका वेलोसिटी थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पे आता है तो और कम हो जाता है, और यहाँ पे तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ही हो जाता है, और यहाँ पे आके उसका जो वेलोसिटी है वो थोड़ा डाउनवर्ड हो जाता है, डाउनवर्ड्स, और उसके बाद फिर यहाँ पे आके और थोड़ा बढ़ता है, और यहाँ पे जाके और बढ़ता है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाता है। सो दिस हैपेंस इन केस ऑफ द प्लेनर मोशन, इन केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। रिमेम्बर, तो एवरी बॉडी मूविंग इन प्लेन हैज टू वेलोसिटीज, ये समझ सकते हैं आराम से। देखो दो वेलोसिटीज इस बॉडी को है, कौन से देखो, एक तो वर्टिकल वेलोसिटी, दूसरा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। देख सकते हो क्लियरली कि उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको हम बोलते हैं Vx, और उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसको बोलते हैं Vy, एंड Vx इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। सी हियर, इट इज 60 फॉरएवर, ये 60 जो है वो बरकरार है। लेकिन अगर हम Vy के ऊपर फोकस करेंगे तो देखो स्टार्टिंग में वो 60 है, 50, 30, 10, 0, -10, -20, -30, -50, -90, -100 एंड -120, इस तरह से वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से ये होता है। तो द पार्टिकल मूविंग इन प्लेन हैज टू कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी, वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड अदर वन इज कॉल्ड वर्टिकल वेलोसिटी, एंड बोथ ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। One is along x-axis and that's why it's called as Vx, and the other one is going to be along y-axis and that's why it is going to be Vy. V stands for velocity. Okay, so velocity in x direction is denoted by Vx and velocity in y direction is denoted by Vy, and the actual velocity of the particle at any instant, देखो यहाँ पे जब वो आता है तो उसका जो velocity इस तरफ एक है और इस तरफ एक है, तो उसका एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में रहने वाला है, इस डायरेक्शन में रहने वाला है, जो कि इन दोनों के रिजल्टेंट से हमको मिलने वाला है। और रिजल्टेंट याद है स्केलर्स एंड वेक्टर्स के अंदर हमने देखा था, याद होगा। तो इसलिए इवन यहाँ पे जब वो आता है, देखो समझो यहाँ पे आ जाता है तो उसका एक कॉम्पोनेंट उसका वेलोसिटी का इस तरफ रहने वाला है और दूसरा कॉम्पोनेंट इस तरफ रहेगा, तो एक्चुअल वेलोसिटी उसका इस डायरेक्शन में रहेगा जो कि उसके डायगोनल के अलॉन्ग रहेगा, डायगोनल फॉर्म बाय द पैराग्राम फॉर्म बाय दिस टू वेक्टर्स Vx एंड Vy। तो ये Vx एंड Vy इन दोनों से जो पैरोग्राम बनता है उस पैरोग्राम का डायगोनल मतलब उसका एक्चुअल वेलोसिटी होता है इस इंस्टेंट का, हर इंस्टेंट पे उसका जो वेलोसिटी है देखो टेंजेंशियल होता है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर देखते हो तो उसका वेलोसिटी इस तरफ रहेगा, यहाँ पे आएगा तो उसका वेलोसिटी इस तरफ रहेगा, यहाँ पे इस तरफ रहेगा, यहाँ पे इस तरफ रहेगा, एंड सो ऑन लाइक दैट अप टू लास्ट पॉइंट। सो एट एवरी इंस्टेंट The velocity of the body will be along the tangent to the path at every point. तो हर पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल रहेगा, ये हमको अच्छी तरह समझना है। देखो ठीक से, हाँ ओके, तो ये अभी हमने देखा कि हाउ द वेलोसिटी और द मोशन इन प्लेन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। ओके, अभी हम एक ब्रीफ रिव्यू देख लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो आज के लेक्चर में हमको सिर्फ ब्रीफ रिव्यू देखना है, डिटेल में हमको स्टडी करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा
तो उसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे हर एक मोशन के बारे में। बट आज के लेक्चर में हम जो ब्रीफ में देख रहे हैं सभी टाइप के जो मोशन होते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोजेक्टाइल मोशन? सी, प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स वेन एवर द इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इफ सपोज द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल। ठीक है, तो किसी एंगल पे अगर हम सपोज किसी बॉडी को अगर थ्रो करते हैं, जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो अगर जंप करता है, या एथलेट जो है वो अगर जंप करता है, एक जो इस टाइप का जो होता है ना पार्टीशन, या उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं, बैरियर। तो इस बैरियर के ऊपर से जब वो जंप करते हैं तो उनका जो मोशन है वो इस टाइप का होता है। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन, रिमेम्बर। ठीक है, इवन अ बॉम्ब विच इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन से अगर सपोज हम बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, ये समझो एरोप्लेन इस तरफ बढ़ रहा है, और अगर यहाँ पे हम एक बॉम्ब अगर छोड़ देंगे इधर से, तो जैसे हम ये छोड़ देंगे तो ये सीधा इस तरफ एक कर्व मोशन परफॉर्म करेगा और सीधा एक ग्राउंड पे यहाँ पे जाके गिरेगा। सो दिस टाइप ऑफ मोशन विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन, रिमेम्बर। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी देखो यहाँ पे जैसे कैनॉन जो है, कैनॉन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, बिकॉज वेन एवर द कैनॉन इज फायर्ड एट दिस पॉइंट इट विल गो ऑन बेंडिंग, इट्स पाथ विल बी ऑब्जर्व टू बी लाइक दिस। तो उसका जो पाथ है वो हम देख सकते हैं क्लियरली, हर पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे चेंज 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 होते होते उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता जाता है, और एक पॉइंट पे आके वो यहाँ पे नीचे गिरता है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज द प्रोजेक्टाइल मोशन, रिमेम्बर। और इवन एक सपोज एक कार में हम या किसी ट्रक के अंदर बैठे हैं, ओपन ट्रॉली है, और इसके अंदर हमने यहाँ से अगर एक बॉल थ्रो किया, तो जैसे हम ये बॉल थ्रो करते हैं तो वो सीधा इस तरह से जाके यहाँ पे गिरता है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सी क्लियरली वाई, बिकॉज जब हम इसको यहाँ पे थ्रो करते हैं तो उसको दो वेलोसिटीज मिल जाते हैं, एक तो कार का वेलोसिटी जो कि इस डायरेक्शन में होता ही है, ट्रक का वेलोसिटी, और दूसरा हम जो उसको ऊपर तरफ थ्रो करते हैं वो वेलोसिटी भी उसको आराम से मिल जाता है। और इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्ट ये होता है कि वो उसका जो एक्चुअल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में बनता है, और वो जो वेलोसिटी है वो ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे आगे जाके टर्न होते होते उसका जो वेलोस डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है, और उसकी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो यहाँ पे गिरता है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन विल ऑल्सो बी द प्रोजेक्टाइल मोशन, यू कैन सी। ठीक है, देखो अभी एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो कि हमने एक बॉडी जो है वो अगर सिंपली रिलीज किया, रिलीज एक हाइट से अगर हमने उसको छोड़ दिया, जैसे हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, तो वो सीधा नीचे गिरेगा, राइट, सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा और नीचे गिरेगा। अब देखो दिस विल बी द रेक्टिलिनियर मोशन, इट्स नॉट कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, बट इट विल बी द रेक्टिलिनियर मोशन बिकॉज इट इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में जाता है। ठीक है, अभी समझो कि ये बॉडी जो है ये अगर हमने ऊपर थ्रो किया ऊपर तरफ, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, और एक पर्टिकुलर हाइट एज अटेम करने के बाद वापस उसी पॉइंट पे वापस उसी हाथ में आ जाता है, उसके हाथ में आ जाता है। दिस इज अगेन नॉट अ प्रोजेक्टाइल मोशन, बट व्हेन वी थ्रो इट इन दिस डायरेक्शन समवॉट एंगल एट सम एंगल इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल, तो थीटा एंगल पे अगर हम उसको थ्रो करते हैं तो उसकी वजह से उसका जो पाथ है वो इस तरह से बेंड होता है, और उसको हम बोल सकते हैं इट्स द प्रोजेक्टाइल मोशन, रिमेम्बर। डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैन स्टडी अबाउट द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। देखो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई बॉडी जो है वो जब हम थ्रो करते हैं तो उसका जो थ्रोइंग एंगल है वो 90 या नहीं होना चाहिए, या जीरो नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी 90 एंड इट शुड नॉट बी जीरो, देन द बॉडी विल बी सपोज टू बी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, सो इट विल ट्रेवल लाइक दिस। तो ये इस तरह से वो ट्रेवल करेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके गिरेगा, बिल्कुल। तो ये हो गया ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। बट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, अगर हम किसी बॉडी को अगर इस डायरेक्शन में अगर थ्रो करते हैं और ग्रेविटी की वजह से वो अगर इस तरह से ट्रेवल करता है नीचे गिरता है, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जैसे देखो यहाँ पे अभी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल्स देखो, तो क्रिकेट में जब हम बॉल प्ले करते हैं थ्रो करते हैं तो वो एक तरह से ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है, या एथलेट टेकिंग जंप फ्रॉम द अलोंग द बैरियर्स विल ऑल्सो बी द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल एक्चुअली। एंड इवन देखो ट्रेजेक्टरी जो है, प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्टरी है इट इज गोइंग टू बी द पैराबोला,
अभी देखो ये पैराबोला क्या होता है, ये याद रखो ठीक से, कि अभी देखो अगर कोई बॉडी को हम इस तरफ अगर थ्रो करते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसका वेलोसिटी जो है वो हम यू बोल सकते हैं। यू स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब द वेलोसिटी विथ विच द बॉडी इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अभी दिस इनिशियल वेलोसिटी कैन बी सपोज टू बी मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है, अभी जैसे देखो यहाँ पे ये जो बॉडी है वो हमने लेस देन 90 एंगल पे थ्रो किया हुआ है, इसकी वजह से उसका जो एंगल बना हुआ है इनिशियल वेलोसिटी का वो थीटा है कहलाता है, जो कि 90 नहीं है, लेस देन 90 है। ठीक है, अभी इसका हम दो कंपोनेंट्स मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट्स का बना हुआ है ऐसा बोल सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हिच विल बी डिनोटेड बाय यू कॉस थीटा, एंड अदर वन इज कॉल्ड एज द वर्टिकल कंपोनेंट व्हिच विल बी डिनोटेड बाय यू साइन थीटा। उसको हम वी एक्स मतलब इसको यू एक्स और इसको वी एक्स सॉरी यू वाई ऐसा भी बोल सकते हैं। यू वाई का मतलब क्या, वर्टिकल कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, और यूएक्स का मतलब हो गया एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। ठीक है, अभी जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है वो थोड़ा चेंज होता है, देखो डायरेक्शन उसका एंगल सब चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। तो अगर ये उसका वी मतलब उसका अगर फाइनल वेलोसिटी एज्यूम कर लिया जाए तो उस फाइनल वेलोसिटी को भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं, भले अभी उसका एंगल अलग होगा, थीटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने थीटा लिया है वो इनिशियल एंगल था, अब यहाँ पे एंगल बदल जाएगा, इवन आगे जाके भी एंगल और चेंज हो जाएगा, यहाँ पे तो निगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हर पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है एंगल बदलता जा रहा है, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स भी तो बदलेंगे। इसलिए इस वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट्स है उसमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो उसका बनता है तो उसको हम बोलते हैं वी एक्स, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनता है तो उसको हम बोलेंगे वी वाई। देखो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, देखो यू जो है यू मतलब क्या है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी को जब हम रिजोल्व करते हैं तो उसका एक्स कंपोनेंट जो है उसको हमको बोलना होगा यू एक्स, और यू का वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट बनता है तो उसको हमको बोलना होगा यू वाई। करेक्ट है, यू स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, तो उनके उस इनिशियल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स है तो उनको भी तो हम यू ही नाम दे देंगे कि नहीं, तो इसलिए उसको हमने यू नाम से डिनोट किया है। चलो ठीक है, अभी देखो आगे कि वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, तो उसको भी जब हम रिजोल्व करेंगे तो उसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, बट उसका जो एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस का पैरेलल वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं वी एक्स, और उसका जो वर्टिकल वाई डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं वी वाई। वी स्टैंड फॉर फाइनल वेलोसिटी एंड दैट्स व्हाई वी एक्स एंड वी वाई आर कॉल्ड एज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनल वेलोसिटी, एंड यू एक्स एंड यू वाई विल बी कॉल्ड एज द कॉम्पोनेंट्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी और वाई वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो ये अच्छी तरह से याद रख लो। ओके, अब देखो इसमें और एक बात समझो इसमें ठीक से, कि ये तो हमने ऑलरेडी बताया कि हाँ, अब देखो तीन चीजें हमको इसमें समझनी है। सबसे पहले जो होता है द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितना ऊपर चढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं एच, कैपिटल एच उसको डिनोट करते हैं, याद रखो ठीक से, कैपिटल एच मतलब क्या, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। दूसरा कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे, इट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आर से उसको डिनोट करते हैं। रेंज मतलब क्या, देखो यहां से लेके मतलब पॉइंट ऑफ फायरिंग जहां से हमने उसको फायर किया वहां से लेके जहां तक वो ग्राउंड को हिट करता है वापिस एक बार, तो उस पॉइंट के बीच में का जो डिस्टेंस है तो उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं रेंज, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऐसा उसको कहा जाता है रेंज। और ये एच मतलब क्या है, यहाँ पे एच का मतलब होगा हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और वी कैन से मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, रिमेम्बर, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ओके, और तीसरा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, रिमेम्बर व्हाट डू यू मीन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है देखो यहां से हमने उसको फायर किया, अभी यहां से पूरा ये पूरा जर्नी ट्रेवल करके यहाँ पे ग्राउंड को फिर से हिट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही नहीं, जितना भी टाइम वो लेता है, वॉट एवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू हिट द ग्राउंड वंस अगेन इट इज कॉल्ड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट, रिमेम्बर टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, रिमेम्बर। तो
तो कैपिटल टी से उसको हम डिनोट करते हैं याद्रोबिटिक से। ओके चलो अभी थोड़ा एमसीक्यूज हम करेंगे। दो तीन एमसीक्यूज मुझे बताओ कि जो आपको हम अभी अभी जो हमने देखा उसी के बेसिस पे हम कुछ एमसीक्यूज अभी करेंगे, ठीक है? मतलब आपको सिर्फ उतना कितना समझ में आया वो चेक करने के लिए कुछ एमसीक्यूज हम देखेंगे फटाफट। चलो आपको उसका जो आंसर है वो चैट बॉक्स में डालना है। जस्ट टेल मी व्हाट विल द आंसर। ये जो है ये एमसीक्यू का आंसर बताओ, मोशन इज अ चेंज ऑफ व्हाट, क्या हम बोल सकते हैं? मोशन इज अ चेंज ऑफ मूवमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट और पोजीशन, क्या समझते हो? पोजिशन, रिमेंबर मोशन इज द चेंज ऑफ पोजिशन। ओके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर, कितने टाइप के मोशन है? क्या पढ़ा अभी हमने? तीन टाइप के मोशन होते हैं, बराबर है? कौन से याद है? एक तो रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा प्लेनर मोशन और तीसरा थ्री डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्पेस वी कैन से। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, मोशन इन वन डायमेंशन इज द मोशन। मोशन इन वन डायमेंशन किसको बोलते हैं? कर्व वाले को या सर्कुलर वाले को या स्ट्रेट लाइन वाले को या रोटेटरी को, क्या कहेंगे? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाले को। ओके मोशन इन टू डायमेंशंस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे? मोशन इन स्पेस और मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन। यस मोशन इन प्लेन, मोशन इन टू डायमेंशंस मतलब ही मोशन इन प्लेन। ओके नेक्स्ट, कैनन बॉल फॉलोज अ डैश डैश पाथ एज द बॉल राइजेस टूवर्ड्स द पीक एंड टूवर्ड्स द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। कैनन बॉल कौन से टाइप का पाथ फॉलो करता है? यस इट फॉलोज द प्रोजेक्टाइल, सॉरी पैराबोलिक पाथ। ओके पैराबोलिक, द मोशन ऑफ कैनन बॉल इज व्हाट यू कैन बी से, स्ट्रेट लाइन मोशन नो, मोशन इन स्पेस नो, लीनियर मोशन नो, इट इज गोइंग टू बी द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट? इन द एब्सेंस ऑफ द डैश डैश द कैनन बॉल फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन पाथ कंसिस्टेंट विथ लॉ ऑफ इनर्शिया। कभी कैनन बॉल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा? क्या नहीं होना चाहिए उसके लिए? एटमॉस्फियर या एयर या ग्रेविटी या कार्बन डाइऑक्साइड? ग्रेविटी, ठीक है ना? अगर ग्रेविटी नहीं है तो ऐसे केस में जो कैनन बॉल है वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है? इट विल नेवर कम बैक। ओके वन मोर,
See here, a body which moves in a two-dimensional plane in the gravitational field of Earth is called जो बॉडी टू डायमेंशनल प्लेन में मूव करता है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पाथ बोलते हैं या वर्टिकल पाथ बोलते हैं या हाइपरबोला बोलते हैं या प्रोजेक्टाइल बोलते हैं? यस, कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल. वेरी गुड, करेक्ट. ये भी करो. टू बॉडी, a body projected at an angle theta horizontally and moving only under the influence of gravity, it is called as, dekho the body is projected at an angle theta horizontally, matlab horizontal ke sath humne usko theta angle pe throw kiya, barabar, and moving under the influence of force of gravity only, to wo gravity ki wajah se wo move ho raha hai, to aise hi jayega, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल. ओके, बिकॉज इट इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना के उसको हमने थ्रो किया है. व्हेन वी कैन कॉल इट एज अ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, इफ वी आर एट द टॉप ऑफ अ टॉवर एंड इफ यू फायर अ बॉडी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देन इट विल फॉलो द प्रोजेक्टाइल पाथ लाइक दिस, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. Remember, this is called as a horizontal projectile. Okay. चलो ठीक है फिर, तो यहाँ पे हम रुकते हैं. So that's all about this today's lecture. We have seen the basic concepts of motion in plane. Okay, motion in plane के अंदर के हमने basic concept जो है देखे हैं आज के lecture में. तो एक्चुअल मोशन इन प्लेन जो है वो कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. अच्छा, और एक अनाउंसमेंट है आपके लिए. हाइपरबोला, एक्चुअली हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, ऑल दिस आर द पार्ट्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन मैथमेटिक्स इन डिटेल. अभी जैसे शिवाजी सर आपका स्ट्रेट लाइन ले रहे थे, उसके बाद सर्कल आपका स्टार्ट होगा और सर्कल के बाद आपका पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स, जिनको कोनिक सेक्शन कहा जाता है मिलके, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा. तो उसके अंदर आपको वो पता चलेगा व्हाट इज पैराबोला, व्हाट इज हाइपरबोला एंड व्हाट इज इलिप्स. अच्छा, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि आपका ये जो शेड्यूल चल रहा है, तो उस शेड्यूल को लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में थोड़ा कन्फ्यूजन है. ठीक है. तो और ये कन्फ्यूजन इसीलिए है कि जो सैटरडे को हमने पेरेंट्स मीटिंग जो एक बुलाया था, तो वो पेरेंट्स मीटिंग कई जनों ने अटेंड नहीं किया था और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को या बच्चों को कंफ्यूजन है कि सवेरे 7 से लेक्चर्स चल रहे हैं, अभी 7 से पूरा दिन भर लेक्चर अटेंड करना का क्या, या कैसा रहने वाला है शेड्यूल वगैरह, उसके बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन बच्चों को है. तो इसी को सामने रख के हमने एक मीटिंग अरेंज किया है. पेरेंट्स मीटिंग नहीं है वो, इट्स स्टूडेंट्स मीटिंग. ठीक है. तो कल एक मीटिंग आपका होगा, शॉर्ट मीटिंग होगा, दीपक सर वो कंडक्ट करेंगे और उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे कि क्या किस तरह से शेड्यूल रहेगा और क्या उसका बेनिफिट रहेगा और क्या आपके फ्रीडम रहेगा, क्या आपका चॉइस है और क्या आपके ड्यूटीज रहेंगे. तो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दीपक सर के लेक्चर के अंदर. ठीक है. तो दीपक सर का लेक्चर एक्चुअली वो मीटिंग रहेगा. तो दैट इज द अनाउंसमेंट, बिकॉज आज भी मुझे कई कई सारे लोगों के फोन आए और कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि शेड्यूल का जो है, शेड्यूल का इस मैसेज वगैरह और नोटिफिकेशन के बारे में और कई सारी चीजें जो है, और इवन शेड्यूल जो सवेरे 7 बजे लगाया हुआ है वो भी कईयों को पता नहीं था, कई लोग ऐप में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं या उनको लेक्चर जो है लेक्चर लाइव लेक्चर कैसे देखने का वो पता नहीं है, वो बहुत सारी चीजें है. तो थोड़ा सा उसके लिए एक मीटिंग शेड्यूल किया हुआ है कल. कल वो मीटिंग 5 बजे रहेगा. ठीक है. मतलब लेक्चर, बाकी लेक्चर आपके जगह पे रहेंगे. 3 बजे आपका शेड्यूल स्टार्ट होगा. ठीक है. 3 से 4:15 बजे तक पहला लेक्चर रहेगा, दूसरा लेक्चर 4 से 4:15 बजे तक रहेगा और तीसरा 5 से 4:15 बजे तक वो मीटिंग रहेगा. ठीक है. दीपक सर वो कंडक्ट करेंगे खुद. ठीक है. तो उसके अंदर अगर आपको भी कुछ अगर पूछना है या आपको भी कुछ अगर डाउट है या आपको भी कुछ अगर उसमें बताना है, सजेशन है, तो भी वो आप उसमें वहाँ पे बता सकते हो लेक्चर के अंदर या मीटिंग के अंदर. ठीक है. दैट इज द अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड.
ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू ऑल ऑफ यू.